हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रवि एंड वेलकम टू ऑल इन माय चैनल स्टडी विद। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन जो कि आपका एसएससी जीडी एग्जाम में 11 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक के बीच में आपका जो पूछे गए थे, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख लीजिए आपका किस टाइप से पैटर्न रहा है रीजनिंग का, ठीक है। तो जिन लोगों का आने वाले समय में एग्जाम है तो फ्रेंड्स आप लोग देख के एक बेसिक से आइडिया लगा सकते हैं किस टाइप से आपका रीजनिंग का पैटर्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए उससे पहले वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो फ्रेंड्स ये देख रहे हैं आपके सामने क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सेशन स्टार्ट करने से मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, देख लीजिए अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा वो आपको मैं आपके एग्जाम के जो पैटर्न पूछे जा रहे हैं उसी पे बेस पूरा करा रहा हूँ, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए वो आपका एग्जाम में ही ऐसे पूछे गए हैं, ठीक है। इसमें आपको मैं 20 से लेकर 21 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा जो आपको एग्जाम में इसी टाइप से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए और अपना बेसिक आइडिया ले लीजिए कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ताकि आप उसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अपने लेवल पर आप अपना बेस्ट दीजिए क्योंकि आपको तो सभी तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके रखनी चाहिए, मगर अब आपके एग्जाम के दिन आ गए तो आप लोग देखते रहिए कि साथ में कि किस टाइप एग्जाम में पैटर्न पूछा जा रहा है, ठीक है, ताकि आपको इससे हेल्प मिलेगी किस टाइप से आपका पेपर है, तो आपका अच्छा और भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो चलिए उसी तरीके का मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो देख लीजिए सीरीज से क्वेश्चन है। और मैं आपको सेशन स्टार्ट करने से एक चीज़ पहले और बता देता हूँ, ये चीज़ भी कि आपसे एग्जाम में 3 मार्क्स के सीरीज पूछे जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपका एक नंबर वाला सीरीज रहेगा और एक आपका जो लेटर वाला रहता है, लेटर से आपका सीरीज चलता है, आपका उस टाइप का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इससे आपको 3 मार्क्स के आपका पूछे जा रहे हैं अभी तक, ठीक है। आपका अगर आगे चेंज होगा मैं आपको वो भी बता दूंगा पैटर्न में, मगर अभी तक के पैटर्न में 3 मार्क्स का आपको सीरीज मिनिमम पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग तैयार रहिएगा, फिलहाल अपना प्रैक्टिस करते रहिए। तो अब देखते हैं इस सीरीज में कि क्या पैटर्न चल रहा है। तो देखिए 11 हुआ, मतलब 11 से आपका 66 बना, फिर 66 से फिर 11 हुआ, फिर 11 हुआ, फिर 66 हुआ, ठीक है। तो पैटर्न समझते हैं और एक काम कर सकते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पास। तो चलते हैं हम लोग बनाते हैं। तो देखिए 11 से 66 हुआ, 66 से 11, 11 फिर 66। तो एक चीज़ आपको डायरेक्ट समझ आ रहा है क्या हो रहा है कि आपको 11 जो है यानी आपका जो 11 है वो आपका एक बार लिखा हुआ, फिर 66 जो है वो भी आपका एक बार आया, फिर 11 आ गया, तो आपका ये 11 दो बार आया और आपका जो 66 आया वो एक बार आया, यानी आपका जो आने वाला टर्म होगा तो क्या होगा, मेरा 66 ही होगा, ठीक है। यानी देख सकते हैं अब 11 दो बार आया तो 66 भी दो बार आना चाहिए, तो मेरा इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर मेरा 66 होगा, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें कुछ खास लॉजिक नहीं था, अलग टाइप का लॉजिक था, ठीक है। आप लोगों को कुछ डिफरेंस ओफरेंस का चेक करने में लग गए होंगे, तो यहाँ पर ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। यहाँ पास आपको सिंपल सा दिख रहा है कि 11 आपका एक टाइम्स आया, फिर दो टाइम्स आया, तो आपका 66 भी टू टाइम्स आने वाले हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा मेरा 66। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखते हैं आपका सीरीज से फिर से क्वेश्चन है। तो आपका देखिए 36 यानी आपका 36 से 34 हुआ, 34 से फिर 30, 30 से 28, 28 से 24, ठीक है। तो आने वाला टर्म्स क्या होगा, तो देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए कुछ खास डिफरेंस नहीं दिख रहा है, मतलब आपका कुछ ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा है। तो ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट अंतर चेक कर लेंगे कितने कितने बीच का अंतर है इन लोगों के। तो 36 से 34 कैसे हुआ, तो आपका -2 यानी आपका -2 हुआ। फिर आपका यहाँ पर देखिए 34 से 30 कैसे हुआ, तो -4। फिर आपका 30 से 28 कैसे हुआ, तो -2। फिर 28 से 24 कैसे हुआ, तो -4। तो आपको पैटर्न समझिए, तो -2 फिर -4 हुआ, फिर -2 फिर माइनस आपका 4 हो गया। तो क्या हो रहा है, अब आपको समझ आ गया होगा, यानी 2 4 2 4, तो आने वाला टर्म क्या होगा, तो 2 होगा जो कि मेरा माइनस में होगा। तो 24 से 2 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 22। तो मेरा इसका आंसर क्या होगा, 22, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आएगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका फ्रेंड्स पेपर आपका सिंपल आ रहा है, ठीक है। आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी बस करना है ताकि आपको उस समय को बचा के किसी और सब्जेक्ट में दे सकेंगे, ठीक है। वैसे आप लोग सुने थे जो आपका पेपर इजी आ रहा है वो सच में इजी आ रहा है, ठीक है, मगर आप आगे का भरोसा नहीं कर सकते कि आपका कहीं कुछ आपको बदलाव देखने मिल गए, तो ठीक है। तो आप लोग भी प्रैक्टिस अपना उस टाइप के कीजिए, साथ साथ आप लोग अपना लेवल भी अपना देखते रहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए आपका क्या बोला है, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। तो अब देख लीजिए आपका लेटर से आ चुका है, मैं आपको जैसे बोला था कि आपका लेटर से पूछे जाएंगे या तो आपका नंबर से पूछे जाएंगे, मगर आपका टोटल 3 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो यहाँ पास मैं आपको बता चुका हूँ पहले, अगर आप मेरी वीडियो देखते होंगे तो मैं आपको बता चुका हूँ कि सीरीज में कभी भी अगर आपका अक्षर में रहे तो उसको हमेशा क्या कीजिएगा, उसको नंबर में लिख लीजिएगा। मतलब आपका ए, आपका जैसे कि अगर मैं बात करूँ इसका प्लेस वैल्यू में लिख लीजिएगा, मतलब आपका इसका अक्षर में मतलब कितने स्थान में आता है। जैसे कि आपका ए आपका एक नंबर पर आता है, बी आपका दो नंबर में आता है, उसी तरीका से आपको लिखते चलना है, ठीक है। तो यहाँ पास देखेंगे किस तरीका से, तो ए आपका एक नंबर पर आता है, सी आपका तीन नंबर पर आता है, और एफ आपका छः नंबर पर आता है, जे आपका 10 नंबर पर आता है, ओ के आपका
15 नंबर पे आता है, ठीक है। तो आप पैटर्न को समझेंगे, क्योंकि क्या होता है लेटर में आप रूबरू नहीं रहते हैं, ठीक है, तो इसलिए आप उसको जल्दी समझ नहीं पाएंगे, मगर नंबर से आप बहुत अच्छे से रूबरू रहते हैं, ठीक है, तो इसलिए आप नंबर को बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं आपको लेटर के तुलना में, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, एक से तीन कैसे हुआ, तो दो बढ़ा, फिर तीन से छः तीन बढ़ा, फिर यहाँ से चार बढ़ा, फिर 10 से 15 तो 5 बढ़ा। तो आपको समझ आएगा, दो हुआ, तीन हुआ, चार हुआ, पाँच हुआ, तो मेरा आगे वाला क्या होगा, 6 होगा। तो 15 छः 21, तो मेरा 21 नंबर वाला लेटर कौन होता है, तो टी आपके 20 नंबर पे आता है और यू आपका 21 नंबर पे आता है, यानी मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 नंबर जो कि यू है, ठीक है। तो ये सबको आपको इसका आपको प्लेस वैल्यू आपको आने चाहिए, ठीक है, तभी जाके आप जल्दी जल्दी कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आपका देखिए क्या हो रहा है, 2 से 37 हुआ, 37 से 82 हुआ, 82 से 137 हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट पैर से एक बार हम लोग डिफरेंस देख लेंगे। तो 2 से 37 का कितना डिफरेंस दिख रहा, तो 35 का डिफरेंस दिखा। 37 से 82 का कितना डिफरेंस दिख रहा, तो ये आपका 45 का दिख रहा। फिर आपका 82 से 127 का कितना, तो 18 37 कितना होता था, 55, तो 55 का। तो आप पैटर्न समझिए, 35 से 45 45 से 55, तो आपको 10 का डायरेक्ट दिख गया होगा, तो क्या होगा आने वाला टर्म, तो 65 हो जाएगा। यानी इस नंबर और इस नंबर के बीच में आपका 65 का आपको अंतर दिखेगा, तो ये नंबर को जोड़ दीजिए इसमें, तो क्या जाएगा, 7 5 12 और 6 3 9 10 और 1 2, यानी 202 मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि मेरा एक नंबर पे है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ देखिए क्या बोला आपका, 3 से 15 हुआ, 15 से 32 हुआ, 32 से 59 हुआ, ठीक है। तो पैटर्न समझते हैं, और आप लोगों को जैसे बता रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये ऑप्शन रख दिया है। तो यहाँ देखिए 3 से 15 15 से 32 32 से 59 कैसे बना, तो डायरेक्ट डिफरेंस फिर चेक करेंगे। तो यहाँ देखेंगे 3 से 15 कितना हुआ, तो 12 का अंतर दिख रहा। अब 15 से 32 में देखिए कितना का, तो 17 का अंतर दिख रहा। फिर 32 से आपका 59 में कितना अंतर दिख रहा, तो ये आपका 9 से 2 जाएगा 7, अब 5 से 3 जाएगा 2। तो अब देखते हैं, तो 12 से 17 हो रहा, फिर देखिए 12 से 17 में 5 का अंतर दिख रहा, 17 से 27 में 10 का अंतर दिख रहा, ठीक है। तो यानी मेरा क्या होगा, 5 हो गया 10 आया, तो अब क्या होगा, 15 होगा। तो अब देख लीजिए, तो 27 और 15 कितना हो जाएगा, तो 7 5 12 2 3 4, यानी मेरा 42 हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका ये डबल अंतर वाला था, ठीक है, तो आपका डबल अंतर वाला भी आप लोगों को चेक करते चलना है, ठीक है। तो 42 हो गया, यानी इस नंबर के बीच में 42 का अंतर होगा, तो इस नंबर को इसे जोड़ दीजिए, तो 9 2 11 5 4 9 1 10, यानी आपका क्या हो जाएगा, 101 मेरा आंसर भी है, ठीक है। तो ये मेरा आंसर होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ देख लीजिए, अब आपको मैं बता देता हूँ, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग है, ठीक है। तो मैं आपको ऊपर में पूरा वो सब नहीं लिखा, डायरेक्ट मैंने ये यहाँ लिख दिया, ठीक है। मैं आपको बेसिक सा बस आइडिया दे दे रहा हूँ कि आपका इस टाइप से पूछा भी गया था, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। और आपको मैं बता दूँ कि कोडिंग डिकोडिंग से आपको क्वेश्चन 2 से 3 मार्क्स के आपको हर शिफ्ट में देखने मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको 2 से 3 मार्क्स आपका पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें भी आपका इस टाइप से भी रह सकता है, किसी टाइप से भी आपका कोडिंग डिकोडिंग रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पास आप देखते हैं, और यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा, 2 से 3 मार्क्स से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलते चलिए पैटर्न को समझते हैं। तो क्या हो रहा है, आपका कार्स लिखा रहा है ये तरीका से, तो आपसे पूछा है कि माल्ट का कोड क्या होगा, तो देखते क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पास आपको लेटर दिख रहा है, तो लेटर से नंबर कैसे बन सकता है, तो उसके अक्षर वैल्यू से ही बन सकता है कि वो कितने नंबर पर आता है। तो सी आपको कितने नंबर पर आता है, तो 3 नंबर पर आता है। ए कितने नंबर पर आता है, तो 1 नंबर पर आता है। आर कितने नंबर पर आता है, तो 18 नंबर पर आता है। तो एस कितने नंबर पर आता है, तो आपका 19 नंबर पर आता है। तो अब देखिए, जब तक आप लेटर का आपका अक्षर वैल्यू लिखे, तब तक आपको समझ आएगा कि क्या हो रहा था। आपको यही तो कोड किया हुआ, मतलब क्या हो गया, सिंपल सा, कि आपको वो लेटर का जो प्लेस वैल्यू होता, जो अक्षर वैल्यू, वही इसका कोड करके रख दिया आपके सामने। तो यानी क्या होगा, मेरा जो इसका होगा, तो इसका भी कोड कर लेते हैं। तो एम का कितना होता, तो 13 होता है। ये चीज़ आपको बस पता होना चाहिए, तभी जाके जल्दी कर पाएंगे। ए का कितना होता है, तो 1 होता है। एल का कितना होता है, तो 12 होता है। और टी का कितना होता है, तो 20 होता है, ठीक है। तो अब आंसर खोज लीजिए कौन सा होगा। तो यहाँ देख लीजिए, मेरा ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा 1311220 1311220, ठीक है। तो मेरा ये आंसर सही होता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका यहाँ भी आपका कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। तो यहाँ देखिए, डांस आपका ये बन गया। अब आपको बताना है सॉन्ग का क्या कोड होगा, ठीक है। तो यहाँ पास अब देखिए क्या हो रहा है, तो मैं आपको जो बताया उस चीज़ को ध्यान हमेशा दीजिएगा। तो ये आपका 4 है, क्योंकि मैं डायरेक्ट इसका अक्षर वैल्यू लिख ले रहा हूँ, ठीक है। डी आपका 4 नंबर पे आता है, ए आपका 1 नंबर पे आता है, एन आपका 14 नंबर पे आता है, सी आपका कितना नंबर पे, 3 नंबर पे, ई आपका 5 नंबर में, ठीक है। फिर इसका भी देख लीजिए, तो ये आपका 5 नंबर पे, फिर आपका 2 नंबर पे, और आपका ये कितने नंबर पे आएगा, तो ये आपका 15 नंबर पे आएगा, फिर आपका 4 पे आएगा, और ये 6 पे आएगा, ठीक है। अब आप देखिए, तो आपको डायरेक्ट दिख जाएगा एक चीज़,
चार से पाँच हो गया, एक से दो हो गया, 14 से 15 हुआ, 3 से 4 हो गया, अब 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। तो आपको समझ आ गया, मतलब एक एक आगे बढ़ रहा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ पैटर्न आप लोगों को समझ आ गया होगा, या फिर आप अगर आप ऐसे भी देख सकते हैं, डी से ई आग को समझ आ गया, क्योंकि एक एक बढ़ रहा था तो आपको जल्दी पकड़ा गया, वही आपका 3, 4, 5 कर 6 करके बढ़े तो आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है, इस तरीके से जल्दी समझ पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे फिलहाल। तो मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो एस सेट क्या होगा, तो एस सेट टी आएगा, क्योंकि एक एक बढ़ रहा तो डायरेक्ट मुझे नंबर की फिलहाल यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। ओ से क्या बनेगा, ओ पी, एन से क्या बनेगा, ओ, जी से क्या बनेगा, एच। तो मेरा आंसर देख लेते हैं, जो टी पी ओ एच कौन सा में है, तो ये मेरा 3 नंबर में है, तो मेरा इसका आंसर ये होगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब देखिए क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर आपका ब्रेन से ये बन गया और हार्ट से आपको पूछा है, ठीक है। तो उस क्या करेंगे, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए बी से ई बन रहा है, तो किस तरीके से बन रहा है, तो अब आपको पता नहीं चल पा रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट नंबर जल्दी लिख लेंगे। तो बी 2 नंबर का, आर 18 नंबर का, ए 1 नंबर का, आई 9 नंबर का, एन कितने नंबर का, तो 14 नंबर का, ठीक है। तो क्या बन रहा है आपका, ई बन रहा है, यहाँ में लिख रहा 5, आपका यू कितना, 21, डी 4, एल कितना, 12, और क्यू कितना, तो क्यू आपका ओ एम क्यू 17 नंबर, ठीक है। तो अब पैटर्न समझिए क्या हो रहा है आपका, तो देखिए आपको दिखेगा 2 से 5 बना, कितने का अंतर दिख रहा, 18 से 21 हुआ, और फिर आपका यहाँ देखिए 19 से, ये आपका सॉरी 1 से 4 बना, और 9 से 12 बना, और 14 से 17 बना। अब आपको समझ आ गया क्या हो रहा, तो 3 3 बढ़ रहा, देख लीजिए 2 से आपका 5 हुआ, 18 से 21 हुआ, 1 से 4 हुआ, 9 से 12 हुआ, और 14 से 17 हुआ, तो 3 3 बढ़ा, यानी आपका 3 3 बढ़ जाए, बढ़ा दीजिए सब में। तो एच आपका कितने नंबर का होता है, तो एच आपका 8 नंबर का होता है, 3 बढ़ाएंगे तो 11 नंबर का होता है, तो 11 नंबर में मेरा क्या होता है, तो जे के मेरा होता है। फिर उसी तरीके से आप देख लीजिए ई का कितना होता है, तो आपका 5, और 5 3 8, यानी आपका एच, ए कितना होता है, तो ए 1 नंबर पर होता है, 1 और 3 4, 4 पे कौन होता है, डी, ठीक है। तो अब यहाँ पास ऑप्शन को भी ध्यान देते चलिएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ, तो ऑप्शन देखिए पहले क्या, के एच डी, तो यहाँ आपको डायरेक्ट दी जाएगा के एच डी, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, डायरेक्ट आप बिना सोचे समझे मार दीजिएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा, ऑप्शन को बस ध्यान देते चलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देख लीजिए यहाँ से आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने मिलेंगे, ठीक है, जिसमें आपको संबंध रहता है टाइप का। तो यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पास आपको क्या करना हो, तो देखिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द को चुनिए। तो यहाँ पास मैं आपको बता चुका हूँ 2 से 3 बन रहा है, ठीक है, जिस तरीके से 2 से 3 बन रहा उसी तरीके से 11 से आपको बनाना है आने वाला टर्म्स को भी, ठीक है। तो अब देखिए कैसे हो रहा है, तो देखिए ये आपका 2 से 3 बन गया, और 11 से आपको क्या बनेगा यहाँ पास, तो अब आपको देखेंगे 2 से 3 कैसे बढ़ा, तो 1 बढ़ा तो 3 बोल दिया आप, फिर 11 से क्या होगा, तो आप बोलेंगे 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास मेरा ऑप्शन में भी है 12, तो आप लोग बोलेंगे 12, मगर एक और लॉजिक भी फॉलो हो रहा था। क्या लॉजिक फॉलो हो रहा था, आप चेक कीजिएगा ये, क्योंकि आपको चेक करना आपको बनता है। यहाँ पास आपका क्या हो रहा था, तो देखिए 2 है 3 है, ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 है और 3 है, और दोनों आपका क्या है, तो दोनों आपका ये देख लीजिए, आपका दोनों प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, और 11 नंबर क्या है, तो 11 भी आपका एक प्राइम नंबर है। तो आप उसका आने वाला टर्म्स क्या होगा, आने मतलब उसके बाद वाला जो 11 के बाद आपका कौन प्राइम नंबर आता है, तो 13 नंबर आता है प्राइम, ठीक है। तो यानी आपका इसको भी आप ये पैटर्न को थोड़ा देर के लिए समझ सकते थे, क्योंकि इस प्राइम नंबर के बाद ये प्राइम नंबर आया, और 11 के बाद आपका कौन प्राइम नंबर आएगा, तो 13 आता है, और मेरा ऑप्शन में भी 13 है, ठीक है। तो इसलिए मैं ये चीज़ को थोड़ा सा जानबूझ के रखा था, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा मैं इस चीज़ को समझा सकूँ, ठीक है। मगर ऐसा एग्जाम में कभी नहीं होगा, आपको एक ही ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास आपको कोई एक ही दिखेगा, या तो 12 दिख जाएगा या तो 13 दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास जो भी रहेगा आप उसको ऑप्शन में मार दीजिएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, और यहाँ पास मुझे नहीं पता कि ऑप्शन में क्या रखने का था, मुझे जो समझ आया तो मैंने अपने हिसाब से ही इसको रखा है, ठीक है फ्रेंड। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपको। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, 32 से 256 बन गया, फिर आपको 16 से बताना है क्या बनेगा, किस तरीके से बनेगा, इसी तरीके में आपको ढूंढ के। तो देखिए क्या हो रहा है, ये आपका 32, तो 32 का आधा कीजिए तो क्या हो जाएगा 16, और 16 का स्क्वायर कर दीजिए तो 256, ठीक है। और यहाँ देखिए 16 है तो 16 का आधा क्या हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर 64, तो मेरा इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो आप लोग बस देखते रहिए, ये सब का सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, और मैं आपको बता चुका हूँ, वीडियो पॉज करके आप लोग खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए समुद्र से किनारा बन रहा है, नदी से क्या बनेगा, तो समुद्र का किनारा होता है तो नदी क्या होता है, तट होता है, तो ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका।
यहाँ देखिए ए बी सी जेड वाई एक्स डी ई एफ, तो अब आपसे पूछा है तो देखिए क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं चेक कर लूँगा आपका नंबर सबका डाल के, तो देख लेते हैं ए ए कितने नंबर का होता है, तो एक नंबर का होता है, बी कितना दो नंबर का, तीन नंबर का, और जेड कितने नंबर का होता है, तो ये आपका 26 नंबर का, और ये आपका वाई और एक्स 24। तो अब आप देखते हैं क्या पैटर्न चल रहा है यार। तो देखिए 1 से 26, 2 से 25, 3 से 24, कुछ समझ आया? ये आपका 27 मिलके बनाया, 2 और 25 मिलके 27 बनाया, 3 और 24 मिलके 27 बनाया। तब आपको तो समझ आ ही गया होगा कि 27 कब बनता है, जब एक दूसरे का विपरीत में रहता है। जैसे आपका ए ए शुरू से आपका पहले शुरुआत से एक नंबर पे आता है, तो जेड आपका शुरुआत से पीछे से एक नंबर पे आता है, ठीक है? तो यानी आपका विपरीत में चल रहा है, तभी जाके ए एक नंबर का हुआ, और जेड कितने नंबर का हुआ, तो 26 नंबर का, तो 26 से 27, ठीक है? तो यानी आपका विपरीत बन रहा था, तो यानी आप बोल सकते सब आपका उल्टा उल्टा था। तो आपका डी 4 नंबर पे आता है, तो पीछे से 4 नंबर पे कौन आता है, तो आपका डब्लू आता है, तो ये आपका डब्लू हो जाएगा, डब्लू वाला। अब ऑप्शन को भी चेक करते चलिएगा, तो यहाँ पास किसी में डब्लू नहीं है, डायरेक्ट इसमें डब्लू दिख रहा है, तो आप इसको मार सकते हैं, ठीक है? बाय बाय द वे आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ई का क्या होता है, तो ई का भी होता है, ठीक है? ये आपका ट्रिक टाइप का भी होता है, ठीक है? ई के भी होता है, और एफ का क्या होता है, तो यू होता है, ठीक है? तो यहाँ पास मेरा आंसर यही होगा, क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिलहाल ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए बी से 16 बना, डी से क्या बनेगा, तो देखिए बी से 16 बना, किस तरीके से बना, तो देखिए बी आपका 2 नंबर का अक्षर होता है, और ये आपका 16 बन गया, और यहाँ पास आपसे 4 से पूछा गया है। तो अब देखिए क्या हो रहा है, 2 का 16 बन गया, यानी इसको मैं थोड़ा देर के लिए 2 को 2 गुना कर दूँ, 4, और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है? ये लॉजिक समझ आ रहा है। डी का क्या होगा, 4 नंबर का अक्षर होता है, तो 4 को भी मैं दुगुना करूँगा, 4 का 8 होगा, और 8 का स्क्वायर कीजिए, तो 8 का स्क्वायर आपको दिख रहा है क्या, 8 का स्क्वायर तो 64 होना चाहिए, तो ये आपका लॉजिक मतलब गलत चल रहा है। तो देखते हैं और क्या हो रहा है, तो यहाँ देखते हैं, देखिए अब और एक लॉजिक, 2 होता है बी, बी का मैंने जैसे बताया 2, 2 से 16 कैसे बन सकता है, तो 2 के पावर में 4 करेंगे, तो देखिए 2 गुना 2 गुना 2 2 गुना 4, 4 2 8, 8 2 16, ठीक है? तो यानी आपका ये लॉजिक पकड़ा गया, तो 4 के ऊपर में भी क्या करेंगे, तो 4 पावर रखेंगे, तो 4 देखिए 4 1 2 3 4, तो 4 गुना 4 4 कितना होगा, 16 16 चौके 64, और 64 चौके 256। हाँ तो ये लॉजिक आपका पकड़ा गया, तो मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 256, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ आया होगा, बस लॉजिक समझने का है और आपको अप्लाई करना है, ठीक है? अगर मिल जाता आंसर तो आपका आंसर वही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये देखिए आपका अभी तक मैंने आपको बता दिया 5 से 6 नंबर का, ठीक है? आपका कोडिंग डिकोडिंग मिला के और सीरीज से, ठीक है? अब देख लीजिए एक क्वेश्चन आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से पूछे जा रहे हैं, ठीक है? आपको इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है? आपको जिसमें बता दिया जाता है एल इक्वल टू आपका प्लस है, एम इक्वल टू आपका माइनस होगा, एन इक्वल टू गुना होगा, अब पी इक्वल टू आपका डिवाइड होगा। यहाँ पास आपको दे दिया, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है? तो जिस तरीका से बोला गया है उसी तरीका लिखेंगे। तो क्या बोला गया, एम के बाद एन है, एन क्या, एन को क्या दर्शाया गया, तो एन आपका गुना है, तो गुना 5, फिर आपका पी क्या दर्शाया, पी आपका डिवाइड है, तो आपका फिर 5 है, फिर आपका पी के बाद क्या है, 5 एल एल है, तो एल को क्या दर्शाया गया, तो एल को प्लस किया गया, तो आपका फिर से 5, फिर आपका एम को क्या बोला गया, तो माइनस, तो यहाँ 5। तो बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो बोडमास रूल को ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ देखिए ये वाला मेरा पार्ट अलग है, क्योंकि यहाँ से प्लस हो रहा है, और ये वाला मेरा पार्ट अलग हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि प्लस माइनस है, और ये लोग तो सब आपका मल्टीप्लाई डिवाइड साथ में है। तो अब देखिए पहले डिवाइड होता है, तो पहले को डिवाइड कर लीजिए, तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, और 1 गुना 1 तो 5 हो गया। अब देखिए 5, अब प्लस है, यहाँ देखिए प्लस है, तो 5 5 10, और 10 से फिर 5, तो क्या हो जाएगा, 5, ठीक है? तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 5, ठीक है फ्रेंड्स? तो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, और इसलिए आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है? ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देख लीजिए फिर से आपको एक क्वेश्चन है, तो उसी टाइप से क्वेश्चन है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। यदि एक्स का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुना है, तथा भाग का अर्थ माइनस हो, तो 8 गुना का इसका वैल्यू निकालिए। तो चलिए उसी टाइप का सिंपल है, तो 8 गुना को क्या दर्शाया गया, तो प्लस, फिर ठीक है माइनस को क्या दर्शाया गया, तो माइनस को देखिए क्या लिखाया गया था, माइनस का अर्थ गुना है, तो गुना कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, फिर प्लस का क्या अर्थ था, तो प्लस का अर्थ भाग है, तो भाग दे दीजिए, तो ये आपका 40 हो गया, और फिर यहाँ भाग का क्या अर्थ था, तो भाग का अर्थ माइनस था, ठीक है? तो अब देख लीजिए बोर्डमास को ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पास आपका ये चीज़ अलग पार्ट हो गया, ये चीज़ आपका अलग पार्ट हो गया, क्योंकि प्लस माइनस में आपका अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ आप सॉल्व कर लेते हैं पहले इस वाले पार्ट को। तो देखिए यहाँ क्या हो गया, 8 बटा 40, तो क्या हो जाएगा, यानी 5 बार में मतलब 1 बटा 5 हो जाएगा, और यहाँ क्या 7 है, तो यहाँ मेरा क्या आ जाएगा, 7 बटा 5, ठीक है? अब यहाँ से देखिए 8 है
अब माइनस दो है तो ये 8 और 2 को माइनस दो करेंगे क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी मेरा क्या हो गया यहाँ पास 6 और यहाँ पास आ गया +7/5। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो बस ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पास आपका 6 + 5 = 30 और 37, तो यहाँ पास मेरा आ जाएगा 37/5। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो आप देखिए डी नंबर आपको दिख रहा होगा, तो 7/2/5। ठीक है, तो 7 × 5 = 35 और 35 × 2 = 37, 37/5 यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा, तो ये सब चीज़ आपको देखते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वहाँ से आपको मैंने बता दिया टोटल आपको 6 से 7 नंबर का भी। अब देख लीजिए आपका यहाँ लुप्त संख्या में आपको 1 से 2 मार्क्स आपको लुप्त संख्या से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और ये आपको पूछे जा रहे हैं, देख लीजिए किस टाइप से पूछा गया था। तो देख लीजिए 5 से 3 हुआ 4 हुआ, 10 से 6 8 हुआ, 12 से 13 12, तो क्या होगा। तो देखेंगे 3 4 5 किस तरीके से बना, 6 8 10 किस तरीके से बना, तो एक चीज़ आपको डायरेक्ट समझ आएगा अगर आपने प्रैक्टिस खूब कर रखा है तो, 3 4 5 6 8 10 12 और क्या बनेगा जो बनेगा। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 किसका स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, तो कितना हुआ 100 बना, 100 किसका स्क्वायर है 10 का। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ आ गया होगा। तो 12 का स्क्वायर क्या 144, आपको बनाना क्या है तो 13, तो ऐसा क्या जोड़े जो किसका स्क्वायर क्या बन जाए, तो ये आपका 13 का स्क्वायर बन जाए, मतलब आपका 169, यही ना हम लोग कर रहे हैं। तो 144 को वहाँ ले चल रही है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, तो ये आपका 25 हो जाएगा, यानी 25 किसका स्क्वायर है तो 5, तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये देख लीजिए आपका लुप्त संख्या फिर से है, तो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ 1 से 2 मार्क्स का लुप्त संख्या पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए 1 से 4 हुआ, 4 से 9 हुआ, 9 से 16, फिर इसमें 25 36 49, फिर यहाँ पास आपका ब्लैंक है 81 100 ब्लैंक, और ये आपका 144। तो देखिए डायरेक्ट दिख रहा है 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ 4, सबका स्क्वायर दिख रहा है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का, यहाँ 8 का हो सकता है यानी आपका 64 होगा, यहाँ 9 का दिख रहा है, 10 का दिख रहा है, यहाँ 11 का हो सकता है 121, और ये आपका 12 का है, तो क्या होगा 64 और 121। तो देख लीजिए ऑप्शन में तो दिख रहा है यानी आपका ये सही है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया। अब देख लीजिए आपका उस टाइप से हो गया एक क्वेश्चन, यानी आपका टोटल अब तक मैंने बता दिया आपको 8 से 9 मार्क्स के आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पास आपका इस वाले ये आपका बेन डायग्राम से या फिर आपको जैसा भी बोलिए, यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन इससे भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इसे बनाया होगा, इसमें क्या बोलता है देखिए, कौन सी आकृति अपराधी चोर और पॉकेट मार के बीच संबंध में सर्वाधिक सही दर्शाती है। ठीक है, तो इसमें कैसे करना होता है, हम लोग को चेक करना होता है, जिसमें आपका अपराधी चोर और पॉकेट मार को दर्शाए, कौन सा आपको इसमें चित्र दर्शाएगा, तो देखते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, अपराधी है, अपराधी फिर से चोर है और आपका पॉकेट मार है। तो सबसे पहले तो अपराधी होता है कोई भी, ठीक है, यानी कोई आपका अपराधी हो रहा, फिर अपराधी के अंदर में ही कोई आपका चोर आ रहा है, क्योंकि चोर तो आपका अपराधी होता है। अब चोर के अंदर भी एक कैटेगरी होता है, मतलब क्या कि चोर भी तो भाई बहुत तरीके का चोर होता है, तो यहाँ पास क्या है पॉकेट मार बोला, यानी चोर के अंदर भी आपका पॉकेट मार होगा, तो मेरा इसका डायग्राम क्या हो जाएगा, तो 2 नंबर वाला डायग्राम होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पास ये डायग्राम देखिए, इसमें क्या आपको चित्र अलग अलग दिख रहा है, मतलब क्या हुआ, ये क्या अपराधी अलग होता है, चोर अलग होता है, पॉकेट मार अलग होता है क्या, नहीं ना, सब एक ही चीज़ से संबंध है, क्योंकि पॉकेट मार जो होता है वो आपका चोर होता है और चोर आपका अपराधी कहलाता है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा और आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे 1 से 2 मार्क्स से जरूर इसे पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ फिर से देख लीजिए मनुष्य वनस्पति और गाय, तो अब देखिए क्या हो रहा है, मनुष्य वनस्पति और गाय है, तो देख लीजिए मनुष्य हो गया, वनस्पति क्या मतलब आपका पेड़ पौधा हो गया, और यहाँ पर गाय क्या हो गया तो जानवर हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका ये आपका मनुष्य है, ये आपका पेड़ पौधा, ये आपका जानवर, तीनों क्या है, तीनों आपको अलग ही दिख रहा है, क्योंकि कोई किसी के कैटेगरी में नहीं आता, तीनों अलग है, तो इसका सही आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका 1 नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों आपका अलग चीज़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। तो मेरा आपका अब तक मैंने आपको 10 मार्क्स के टोटल बता चुका, ठीक है, 8 से 9 यानी 10 मार्क्स से मैंने आपको बता दिया अभी आपको ये वाले पीछे वाले को लेके। ठीक है, वो आपका बेन डायग्राम से, और हाँ एक चीज़ और मैं फिलहाल बता देता हूँ,
आपको इस टाइप से भी दिया जा सकता है, ठीक है। ये आपको तो यहाँ दे दिया मनुष्य, वनस्पति और गाय। कभी कभी आपको क्या होगा, ऐसा पूछा गया है, ठीक है, कभी कभी होगा नहीं, कभी कभी आपको क्या दे रहा है कि आपको ये वाले चित्र दे दे रहा है, आपसे डायरेक्ट आपसे रिलेशन पूछेगा कि कौन सा आपको इसमें से दर्शा रहा है, ठीक है, उसका विपरीत उल्टा दे देगा, बस। क्लियर है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ देखिए, आप बोले आपसे दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर का आकृति का चुनिए जिससे आपका प्रश्न अंकित निहित है। तो आपको पता है इस टाइप का आपको फिगर दे देता है जिसमें आपको बताना होता है इसमें से कौन सा फिगर इसके पीछे छिपा हुआ है, ठीक है। तो आपका यहाँ से 1 मार्क्स फिक्स है, ठीक है, यहाँ से भी 1 मार्क्स से पूछे जा रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ देखेंगे क्या है, मैंने आपका बना दिया आप लोगों के लिए सिर्फ कि आप लोगों को बेसिक आइडिया पता चल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, तो आपको सबसे पहले इसको तो ऑप्शन से आप बेस्ट तरीका से ढूंढ सकते हो सॉल्व करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मेरे को कोना में ये चीज़, देखिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, मेरे को कोना में ये चीज़ चाहिए, तो सबसे पहले इलिमिनेट करेंगे, क्योंकि इलिमिनेट से मैं आपको बता चुका हूँ ये सब चीज़ में इलिमिनेट बहुत अच्छा तरीका से करेगा। तो ये वाला चीज़ आपको चाहिए, तो ये सबसे पहले कौन सा हटेगा, किस में नहीं है। तो देखिए 4 नंबर वाला आपको दिख नहीं रहा होगा, इस टाइप से आपको दिख नहीं रहा, यानी आपका तो ये हट गया 4 नंबर वाला, इसमें भी हट गया क्योंकि ये आपसे पूरा टच नहीं हुआ, तो यानी मेरा ये भी हट गया। अब आपके पास ये वाला बचा है, ठीक है। अब आपका क्या हो रहा, अब एक चीज़ और देखिए, अब आपको क्या दिया हुआ था, इस तरीका से कुछ दिया हुआ है, ठीक है, यानी इस तरीका से। अब देखिए तो ए वाले 2 नंबर में देखिए, तो 2 नंबर में आपको कुछ दिख रहा है क्या, 2 नंबर में सीधा सीधा ऐसे दिख रहा है आपको, ये वाला तो लाइन ही नहीं है, मतलब बीच से लाइन ही नहीं दिया हुआ बीच से, यानी क्या हो जाएगा, यानी 2 नंबर भी गलत हो जाएगा। तब जब 2 नंबर गलत होगा तो बचा क्या, 1 नंबर, यानी मेरा आंसर जाएगा 1 नंबर, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं आपको इसमें दिख रहा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आइडिया पता चल गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, ऑप्शन से आप इसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका, और इससे आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दर्पण से, मैंने क्वेश्चन यहाँ रखा, और आप लोगों को पता होगा दर्पण से और आपका जल प्रतिबिंब से एक एक क्वेश्चन फिक्स है आपका आ रहा है, ठीक है। कभी कभी शिफ्ट में आपका 2 ठो आपका आपका ये आपका दर्पण से पूछ लिया जा रहा है डायरेक्ट, ठीक है, जल का दे ही नहीं रहा। तो आप लोग देख सकते हैं, इसको भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो देख लीजिएगा, जिस तरीका से आपका ये दर्पण का जितने दूरी पे ये रहता है उतना ही दूरी पे उसका प्रतिबिंब भी बनता है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर ई अगर यहाँ है, आपका दर्पण यहाँ है, तो देख लीजिएगा जितनी दूरी पर वो रहेगा उतनी ही दूरी पर उसके मतलब प्रतिबिंब भी बनने वाले हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं ये आपका इसी तरीका से बनेगा, ये जितना दूरी पर रहेगा प्रतिबिंब आप दर्पण से उतना ही दूरी पे ये भी रहेगा, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, अब मैंने आपको ये चीज़ बता चुका हूँ, चाहे ये आपका अक्षर में हो और ये आपका एस पूछा गया था, ठीक है, चाहे आपका अक्षर में हो चाहे आपका कोई चित्र में हो, ध्यान दे दीजिएगा कभी भी कि जितने दूरी पे दर्पण पे रहेगा उतना ही दूरी पे उसका वो भी बनेगा, ठीक है। तो इससे आप करेंगे तो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं सी को यहाँ मान लूँ, ये आपका यहाँ है, तो देखिए ये इतने दूरी पे है तो इतने ही दूरी पे इसका ये भी चीज़ होने चाहिए और ये भी होने चाहिए, ये इतने दूरी पे हुआ ये इतने दूरी पे हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ को आप देखिएगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो इस टाइप से करेंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ से मैं आपको बता चुका हूँ कि आपसे 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, मतलब पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। तो एक क्वेश्चन आपका ये देख लीजिए, वेन डायग्राम से जो क्वेश्चन तो मैंने आपको दिखाया अभी, इस टाइप का यहाँ से आपका इस टाइप से भी आपका ये 12 या 13 तारीख को पूछा गया था, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आपको, जैसे कि आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है, जिसमें आपको क्या बोला है, देख लीजिए, कितने शिक्षक ऐसे हैं जो खिलाड़ी भी है और गायक भी है, तो ठीक है। तो आपको इस चित्र में बताना होता है, जैसे कि आपको शिक्षक को क्या दर्शाया जा रहा, तो ये आपका देख सकते हैं समचतुर्भुज को दर्शाया जा रहा है शिक्षक को, और जो का वृत्त है तो उसको उसको दर्शाया क्या जा रहा है, मतलब ये आपका गोला गोला, ठीक है। तो ये आपको गोला को दर्शाया जा रहा है खिलाड़ी, और जो आपका वर्ग है उसको गायक दर्शाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पास क्या बोला आपका, कितने शिक्षक ऐसे हैं जो खिलाड़ी भी और गायक भी है, मतलब अगर शिक्षक खिलाड़ी गायक मतलब तीनों होने चाहिए, और तीनों में मतलब क्या, तीनों में कोई कॉमन होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए सभी आपका, देखिए सब अलग अलग है, ये भी अलग है ये भी अलग है, सिर्फ आपको एक चीज़ कॉमन दिख रहा होगा, ये वाला चीज़ मैं आपको यहाँ लिख दिया हूँ, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा नहीं दिख रहा होगा तो आप थोड़ा देख सकते हैं, यहाँ पास मैं सिर्फ 4 लिख दिया हूँ ऐसे, ठीक है। इसका कॉमन पार्ट सिर्फ आपको यही दिखेगा, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं सिर्फ आपको कॉमन पार्ट ये वाला एरिया ही दिखेगा, ये वाला, तो यानी मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ लिखा हूँ तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोगों को आइडिया एक मैंने दे दिया, और इस टाइप से क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ठीक है, ये आपका हर शिफ्ट में नहीं आ रहा मगर पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देख लीजिए कथन निष्कर्ष क्वेश्चन है, तो कथन निष्कर्ष क्वेश्चन आप देख लेते हैं ना। तो कथन निष्कर्ष में यहाँ पर आपका सिलॉग से मैं क्वेश्चन रखा हूँ, और आपका सिलॉग से टोटल 2 क्वेश्चन आपका पूछे जा रहे हैं कथन निष्कर्ष से भी, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं फिलहाल यहाँ पर देखिए कथन में क्या बोला गया आपसे, कुछ क्लिक क्या बोला, कुछ क्लिक हारे है सभी हारे लाल है, ठीक
ठीक है, तो आपका चित्र बना लेते हैं। तो कुछ क्लिप की बात की गई है, तो कुछ क्लिप यानी कुछ, मैं यहाँ पर क्लिक लिख ले रहा हूँ वो ज़्यादा, कुछ क्लिप हारे हैं, ठीक है, यहाँ हो गया, ये कुछ क्लिप हारे हैं, क्या बोला, सभी हारे लाल है। अब सभी हारे लाल है यानी लाल के अंदर में होगा, यानी लाल यहाँ, ठीक है, आपको दिख रहा होगा उम्मीद करता हूँ, बस अब देख लेते हैं निष्कर्ष में। सभी क्लिक लाल है, तो सभी क्लिक कहाँ है, क्लिक यहाँ और लाल यहाँ है, तो बताइए सभी क्लिक आपका लाल है, थोड़ा ही सा तो है लाल आपका, ठीक है, तो यानी आपका ये क्या होगा, निष्कर्ष गलत हो जाएगा। फिर क्या बोला, आप कुछ क्लिक लाल है, तो देखिए कुछ क्लिक तो यहाँ था ही, अब कुछ क्लिक आपके लाल बोल रहा है, तो जाहिर सी बात है जब कुछ क्लिक आपके हारे थे और जब का सभी हारे आपके जब लाल हैं, तो यानी कुछ तो आपका होगा ही होगा, ठीक है, यानी आपका कुछ क्लिक जब हारे हैं और जब का सभी हारे लाल है, तो कुछ क्लिक लाल तो होंगे ही होंगे, तो ये वाला मेरा निष्कर्ष सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर मेरा ये निष्कर्ष 2 नंबर सही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, या फिर निष्कर्ष, तो यहाँ देखिए बोला आपका कुछ कागज पेंसिल है, तो कुछ कागज पेंसिल है, तो मैं बना लेता हूँ, ये आपका कागज हो गया, ये आपका पेंसिल हो गया, ठीक है, ये आपका कुछ वाला पार्ट को मैं ये कर देता हूँ। अब आपको आगे पढ़िए, फिर क्या बोला आपका, सभी पेंसिल शेर है, तो फिर से क्या जाएगा, सभी पेंसिल शेर है, यानी आपका शेर वाला शेर यहाँ आ जाएगा। अब देखते हैं चित्र बन गया आपका, अब निष्कर्ष देखते हैं, क्या बोला आपका, सभी शेर पेंसिल है, तो देखिए सभी शेर यहाँ है और पेंसिल यहाँ है, तो बोलिए आपका क्या बोला था, सभी सभी पेंसिल शेर बोला था, नहीं बोला था सभी शेर पेंसिल है, यानी ये तो डायरेक्ट आपका निष्कर्ष गलत हो जा रहा है, क्लियर है। अब आपका आगे क्या बोला है, आपका कुछ शेर पेंसिल है, तो देखिए कुछ शेर पेंसिल दिख रहा है, जब कुछ पेंसिल, जब आपका पूरा पेंसिल शेर थे और आपका यहाँ पास बोला पूछ बोल रहा है कि सिर्फ कुछ शेर पेंसिल है, तो हाँ भाई कुछ कुछ पेंस कुछ शेर पेंसिल तो आपका है ही है, यानी ये निष्कर्ष मेरा सही होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और एक चीज़ मैं आप लोगों को फिर से याद दिला दूं कि कभी भी निष्कर्ष में जब तक आप 100% पूर्ण रूप से नहीं बोलेंगे कि ये आपका निष्कर्ष सही, तब तक वो निष्कर्ष सही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि क्योंकि संभावना क्योंकि उसके संभावना में फिर वो सही होता है, ठीक है, मगर यहाँ कोई ऐसा संभावना नहीं है, मतलब आपका गलत होता है, ठीक है। तो यहाँ पास आपका कुछ शेर पेंसिल बोला गया था, यानी कुछ शेर पेंसिल आपको दिख भी रहा होगा, कुछ से आपका पूरा पेंसिल, जब कुछ से पूरा पेंसिल आपका पूरा पूरा पेंसिल आपका शेर है, तो आपका कुछ शेर तो पेंसिल होगा ही होगा, ठीक है, तो यानी मेरा ये सही होता है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये देख लीजिए, और वहाँ से मैंने आपको जो बताया सिलॉग से टोटल आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन वहाँ से भी देखने मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए, आपको यहाँ से भी आपको 2 क्वेश्चन जरूर देखने मिलेंगे, जिसमें आपको क्या बदलना पड़ता है, देख लीजिए, निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार से एक समान है और एक समूह बनाते हैं, वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता, तो मैं आपको बता चुका हूँ ऑड वन आउट जिसको बोलते हैं, जिसमें आपको देखना है कि कौन सा ऐसा 4 चीज़ है जो आपका समूह बना रहा है, जो आपका नहीं समूह बनाते उसको आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ईट सीमेंट टेलीविजन रंग और रेत, ठीक है, तो डायरेक्ट आपको एक चीज़ समझ आ जाएगा, डायरेक्ट दिखते ही देखते पता चलेगा टेलीविज़न ये आपका एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, ठीक है, यानी आपका ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, तो यानी ये डायरेक्ट आपका अलग हो जा रहा है, ईट सीमेंट रंग रेत सब एक ही टाइप का चीज़ है, ठीक है, तो यानी मैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेलीविज़न, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका, और इस टाइप का हमें ये आपका इस टाइप से भी पूछा जाता है, ठीक है, यहाँ पर लेटर में आपको रख दिया हूँ, तो यहाँ पास फिर से देख लीजिए, ये आपका पूछा गया है, लेग्स क्या है, लेग हार्ट स्टोमक किडनी और लंग्स, ठीक है, तो यहाँ देखिए लेग हार्ट स्टोमक किडनी लंग, तो आपको कुछ समझ आ रहा होगा, लेग देखिए लेग डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि लेग देखिए लेग आपका क्या होता है, बाहर का पार्ट होता है, मतलब हमारा पाँव होता है, हार्ट देखिए हार्ट मतलब आपका जो दिल होता है, दिल अंदर का चीज़ है, स्टोमक भी अंदर का चीज़ है, किडनी भी अंदर का चीज़ है, और लंग भी आपका अंदर का चीज़ है, मतलब फेफड़ा, तो ये सब आपका अंदर का चीज़ है, सिर्फ आपका एक लेग यानी आपका जो पैर वो आपका बाहर का चीज़ है, यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा, लेग, क्लियर है। अब ये वाले भी देखते हैं, तो UEOJA, तो अब देखते हैं क्या हो रहा है, तो देखिए डायरेक्ट आपको दिख जा रहा है क्या, ये भी वोवेल है, ये भी वोवेल है, ये भी वोवेल है, ये भी वोवेल है, सिर्फ एक तो कॉन्सोनेंट है, ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा मेरा, जे, क्लियर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ आप देख लीजिए लास्ट आपका, देख लेते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन आपका, मैंने रख दिया सीटिंग अरेंजमेंट से, ठीक है, देख लीजिए सीटिंग अरेंजमेंट आपका ऐसे ही पूछा जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ से आपको 2 मार्क्स के पूछे जाएंगे सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, तो आप लोग पूरे जोड़ लीजिएगा, आपके ये 20 मार्क्स के बन जा रहे हैं, ठीक है, आप लोग उसको जोड़ सकते हैं। तो अब देखिए अब आपका सीटिंग अरेंजमेंट कैसे सॉल्व करना है, सिंपल सिंपल सा पूछा जा रहा है, ठीक है, देखते हैं इसमें क्या बोला गया आपसे, एक पंक्ति में खड़े 5 सदस्यों में से, ठीक है, एक पंक्ति में खड़े 5 सदस्यों में से यू के दाईं ओर तथा क्यू के बाईं ओर आर है,
ठीक है, क्या बोला जा रहा है, यू के दाई और तथा क्यू के बाई और आर है। तो मतलब क्या हो रहा है, यू यू कहीं है, यू के दाई मतलब आपका राइट साइड, तो यू के दाई इधर मैं एक कर दे रहा हूँ, यू के दाई और तथा क्यू के बाई मतलब क्यू भी कहीं है और क्यू के बाई की बात की गई है तो मतलब इस साइड, और क्या बोला आप, क्यू के बाई और आर है मतलब आर है, मतलब क्या, अब पढ़िए, यू के दाई और तथा क्यू के बाई और आर है मतलब यू का दाई में आर है और साथ साथ में बोल रहा है क्यू के आपका बाई में आपका आर है, तो आपका कुछ इस तरीका से है। और आपका पांच लोग बैठे हैं, ठीक है, मतलब पांच लोग आपका सदस्य एक पंक्ति में खड़े हैं, तो मतलब आपका कुछ इसी तरीका से वो लोग होंगे, ठीक है। अब आप बता नहीं सकते कि कौन कौन कहाँ होंगे, ठीक है, क्योंकि आपका पांच लोग हैं, तो देख लीजिए 3 4 5, तो आप कहीं नहीं बता सकते, कहीं हो सकता है कि आपका यू यहाँ हो फिर आपका क्यू यहाँ हो, तो कहीं भी हो सकते हैं, तो इसलिए उसको बता नहीं सकते, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़िए, फिलहाल आपका फिर क्या बोला आपसे, क्यू क्यू के दाएं और तथा एस के बाएं और पी है, क्या बोला जा रहा है, क्यू के दाएं और तथा एस के बाएं और पी है, मतलब क्यू के, अब क्या बोला, क्यू के दाईं ओर बात की गई है मतलब इस साइड बात की गई है, क्यू के दाईं और तथा एस के बाईं मतलब एस कहाँ होगा, एस कहीं यहाँ होगा, एस के बाईं मतलब इस साइड बात किया गया क्योंकि बाईं बोला है, और एस के बाईं और पी है मतलब पी। अब आप देख लीजिए, अब फिर से पढ़िए, क्यू के दाईं और तथा एस के बाईं और पी है, तो क्यू के दाईं आपको दिख रहा है, ठीक है, मतलब राइट साइड, और आपका बोला एस के बाईं और मतलब लेफ्ट साइड में कौन है, तो पी है, तो मतलब आपका देख लीजिए पांच लोग मतलब आपका इसी प्रकार खड़े। अब आपको तो कुछ सोचना ही नहीं है, मतलब क्या होगा, यू यहाँ होगा, आर यहाँ होगा, क्यू यहाँ होगा, पी यहाँ होगा, एस यहाँ होगा, ठीक है। तो यहाँ मेरा तो डायरेक्ट सॉल्व हो गया, सिंपल था, बस आपको समझने का देरी था। अब इससे क्वेश्चन मैंने एक ले लिया था, क्या था क्वेश्चन आपका, देख लीजिए, इस पंक्ति के मध्य में विद्वान सदस्य को ढूंढ दिए, तो आपका कौन सा इसमें बीच में बैठा हुआ है, तो देख लीजिए डायरेक्ट आपका पांच लोग के बीच में कौन होंगे, तो क्यू होंगे डायरेक्ट, दो लोग यहाँ है, दो लोग यहाँ, तो कौन हो बीच में, तो ये मेरा क्यू होगा, ठीक है, तो मेरा इसका आंसर होगा क्यू, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को समझ आया। तो फ्रेंड्स इस टाइप से क्वेश्चन आपका टोटल 20 मार्क्स के हो गए, ठीक है, मैं आपको बता दूँ, अगर याद दिला दूँ फिर से, तो देख लीजिए यहाँ पास आपका कोडिंग मतलब सोर्स, पहले मैंने आपको नंबर सीरीज दिखाया था, मैंने आपको बोल दिया नंबर सीरीज से आपको 3 मार्क्स के जरूर देखने मिलेंगे, ठीक है, 3 मार्क्स के वहाँ हो जा रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग से आपका 2 मार्क्स का जरूर पूछा जा रहा है, ठीक है, 2 से ज़्यादा ही पूछा जा रहा है, 2 मार्क्स का आप लेके चलिए, 2 मार्क्स से 3 मार्क्स आपका पूछ जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं, 3 2 5 हो गए। फिर आपका एक संबंध वाला जो था, संबंध वाला से आपको 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है, और फिर आपका एक जो आपका फिगर छिपाने वाला था, फिगर से आपका आ रहा है मतलब जो आपको छिपा हुआ रहता है, मैंने आपको भी दिखाया थोड़ी देर पहले। फिर एक आपका बेन डायग्राम वाला जो चित्र वाले मैंने दिखाया, जिसके अपराधी वाला, वहाँ से 1 क्वेश्चन आपका आएंगे उस टाइप से। फिर आपका हो गए क्या बोलते हैं, दर्पण से क्वेश्चन हो गया, जल प्रतिबिंब से 2 क्वेश्चन वहाँ से भी हो गए, ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था, और एक तो संबंध ऑड वन ले लीजिए, ऑड वन अभी मैंने आपको जो दिखाया लास्ट के में ऑड वन, तो ऑड वन से आपको 2 क्वेश्चन वहाँ से भी देखने मिलेंगे, ये सिटिंग अरेंजमेंट से आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अब देखिए कितना हुआ, 3 2 5 5 2 7 7 1 8, 8 2 10 10 2 12 12 2 14, 14 1 15, और आपका यहाँ से भी कथन निष्कर्ष से आपको 2 क्वेश्चन जरूर देखने मिलेंगे, ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, 15 2 17, और आपका मैंने एक चीज़ छोड़ दिया शायद, यहाँ पास मैंने आपको एक चीज़ छोड़ दिया था, क्या छोड़ दिया था, ये वाले तो ऑड वन ले लिया था मैंने, यहाँ से दर्पण भी हो गया, हाँ इस वाले को भी ले लिया था मैंने, और लुप्त संख्या से मैंने आपको बताया, लुप्त संख्या से आपको 2 मार्क्स के वहाँ से भी बन जाते हैं, ठीक है, तो 17 2 19 20 मार्क्स के, ये 19 मार्क्स मैंने आपको दिखाया, और 19 से 1 मार्क्स का जो ऐसा चीज़ है जो आपका इधर से उधर 3 से, जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ कुछ शिफ्ट में 3 से 4 पूछ लिए जा रहे हैं, 3 से किसी में 2 पूछ लिया जा रहा है, तो इस टाइप से आपका 20 मार्क्स से फ्रेंड्स आपका इसी टाइप का पेपर का पैटर्न रह रहा है, ठीक है, ठीक है, तो 5 मार्क्स का मैं आपको आने वाले समय में वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स फिलहाल आपको आज का वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत फ्रेंड्स मेहनत लगी ये सबको आप लोगों के लिए तैयार करने के लिए, ठीक है, तो आप लोग भी लाइक करके मुझे थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है, तो चलिए वीडियो को यही वाइंड अप करते हैं, तो फ्रेंड्स मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।